नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। वो मंगलवार को सुबह सुबह 4 बजे दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सब्जी विक्रेताओं से सब्जियों के रेट के लेकर बातचीत की। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही आजादपुर मंडी से सब्जी विक्रेता का एक वीडियो सामने आया था, जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। और अब खुद राहुल गांधी आजादपुर सब्जी मंडी पहुंचे अचानक सुबह 4 बजे, और वहां पर सब्जी विक्रेताओं से राहुल गांधी ने बातचीत की। आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी इन दिनों अलग अलग जगहों पर जाकर कामगारों से मिल रहे हैं। कभी वो मैकेनिक से मिल रहे हैं, तो कभी वो देश के ट्रक ड्राइवरों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और अब राहुल गांधी महंगाई के इस दौर में आजादपुर सब्जी मंडी पहुंच गए हैं और सब्जी विक्रेताओं से उन्होंने सब्जियों के रेट को लेकर बातचीत की। वहीं रायबरेली में कार सवार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक हादसे के बाद फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे की वजह से बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मामला डी थाना क्षेत्र के रामगंज कस्बे के पास का है, जहां शिवपाल अपनी पत्नी शांति देवी के साथ फुर्सतगंज जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार मारुति वैन ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस कार सवार की जांच पड़ताल कर रही है। एक श्रीपाल और पत्नी, हस्बैंड वाइफ दोनों बाइक से कहीं जा रहे थे, जिनका नाम है श्रीपाल और उनके पत्नी का नाम है शांति देवी। बाकी कहीं जा रहे थे, फोर व्हीलर से ठोकर लगी जिसके वजह से एक्सीडेंट हो गया। जो इनके हस्बैंड है श्रीपाल, उनके दाहिने पैर में चोटें आई है, फ्रैक्चर हो गया है। वहीं भटिंडा के मोड़ मंडी कस्बे के ज्वेलर दुकान मालिकों में भय का माहौल है। लोगों को लगातार फिरौती के लिए कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल मोड़ मंडी के 2 ज्वेलर्स मालिकों को आ चुके हैं और 15-15 लाख की फिरौती मांगी गई है। विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल द्वारा गैंगस्टर अर्श ढल्ला की तरफ से फिरौती मांगी जा रही है। हालांकि दोनों ज्वेलर्स ने पुलिस को में इसकी शिकायत की है। कुछ दिनों पहले ही आपको बता दें कि मोड़ मंडी के एक ज्वेलर शॉप के मालिक से 25 लाख की फिरौती ना देने पर बंद पड़ी दुकान पर गोलियां चलाई गई थी। सरकार भले ही गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार देने का दावा कर रही हो, लेकिन जब सरपंच का परिवार ही रोजगार की कतार में लग जाए तो आम लोगों को इस योजना का लाभ कैसे मिल पाएगा। बतौली जिले के कपाट बहरी पंचायत के गांव में कुछ ऐसा ही चल रहा है। यहां सरपंच परिवार के सदस्य ही मनरेगा में श्रमिक बने हुए हैं। श्रमिक बनकर लाखों का फर्जी भुगतान भी उठा रहे हैं। फर्जीवाड़े की शिकायत विशेश्वर भगत की तरफ से ग्रामीणों ने कलेक्टर के जन दर्शन में की थी। ग्रामीणों और बीजेपी नेता विशेश्वर भगत कई कार्यालय के चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंचायतों में मनरेगा कार्यों में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच फर्जी नाम चलाकर काली कमाई अपने ही परिवार के नाम से ले रहे हैं। देखा जा रहा है, या तो भूतपूर्व सरपंच हो या वर्तमान का सरपंच हो, उसमें जितने भी पंच सरपंच बने हैं सबका इंक्वायरी करके जो मतलब शासन का पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं, सभी बंदरबांट कर रहे हैं, तो सबका जांच किया जाए। और इसका हम बहुत विरोध कर रहे हैं। ये सरपंच जो कार्यवाहक सरपंच अभी बनी है, उसमें भारी भ्रष्टाचार अपने निजी घर के लड़कों बच्चे पति का ये लोग मास्टर में हाजिरी। समस्या ये है कि वर्तमान में जो है सबीना तिग्गा 2015 से पंच एवं अभी वर्तमान में सरपंच का कार्यवाहक सरपंच बनी है, जिसके संबंध में हम लोग एकत्रित हुए हैं। सरपंच पर ये आरोप है कि 2015 से जब से पंच है और 2022 से कार्यवाहक सरपंच बनी है, तब से अपने परिवार एवं रिश्तेदारी पुत्र पुत्री पति और स्वयं का मास्टर रोल में फर्जरी तरीका से हाजिरी भरकर
अन्य शासन का योजनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है अनियमित। वही नागदा तहसील के गांव कलसी के लोग मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित है। गांव वालों ने बताया कि उनके गांव में कई समस्याएं हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। गांव में सड़कें नहीं हैं, नालियां बारिश के दिनों में सड़कों से आकर बहती हैं, निकलना लोगों का मुश्किल हो जाता है। नालियों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर जमा होता है। कई बार सरपंच और सचिव को अधिकारियों के साथ समस्याओं का अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक गांव में किसी भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। गांव वालों का कहना है कि जब बोलते हैं सरपंच और सचिवों द्वारा हमें धमकी दी जाती है, ज्यादा बोलोगे तो अंदर करवा दूंगा। गांव वालों का ये भी कहना है कि पैसे निकलवाकर गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। आज गांव की बारिश के दिनों में सड़कों से निकलना मुश्किल हो गया है। ना तो गांव में पानी की निकासी के लिए नाली बनी है और ना ही सड़कें, जिससे गांव वालों को गांव में रहना अब दुर्भर हो गया है। वैसागर में मकरोनिया नगर पालिका की सीएमओ रीता कैलाशिया के तानाशाही के चलते मकरोनिया नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पार्षद नगर पालिका परिसर में ही धरने पर बैठ गए। धरने को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि तानाशाही हम लोगों ने मकरोनिया में कभी नहीं देखी है, जहां पर अब केवल तुगलकी फरमान चल रहा है। ना तो कभी हम लोगों को फोन रिसीव किया जाता है और ना ही कोई समस्या का समाधान होता है। पार्षदों का कहना है कि सीएमओ मैडम जनता का काम करने आई है, लेकिन यहाँ पर जनता तो ठीक है, हम लोगों की भी सुनवाई नहीं हो रही है। पार्षद गणों का कहना है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो वो लोग कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देंगे। मैं तो ये चाहता था उनको बैठना जायज है, हमारे नगर पालिका जो सीएमओ है किसी भी पार्षद से बैठना पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के कम काम हो, लेकिन कभी अभी डेढ़ महीने से पूरी नगर पालिका में बहुत रुकावट है, सरकारी रुकावट पड़ी है, है कि नहीं। तो हमारे जो सीएमओ है, सीएमओ के द्वारा मनमानी की जा रही है, और सीएमओ के मैडम नहीं है, सीएमओ के जो पति हैं चाबी उनके पास रहती है, उनके और मैं चाहता हूं कि अपना क्षेत्र में हमारे समय सब परिषद के। वही शिवपुरी में खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आज एक दिवसीय प्रेस वार्ता पर शिवपुरी आई। इस दौरान सीएम राइज स्कूल भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। 42,50,00,000 की लागत से ये स्कूल तैयार किया गया है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि अब छोटे शहर के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए वो संकल्पित है। सीएम राइज स्कूल इसका उदाहरण है, यहाँ बड़े स्कूलों की तरह बच्चों को भी सुविधाएं दी जाएंगी। एक तो हमारी एक्सलेंस स्कूल है, पर दूसरा हमारा सीएम राइज होना चाहिए जिसमें आधुनिक कक्षाएं और आधुनिक टाइप ऑफ प्लेग्राउंड और खेल की सुविधाएं और लैब्स और कक्षाएं, ये सारी चीजें एक जगह पे होंगी। तो प्राइवेट स्कूल्स तो ये सब चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट की स्कूल अभी तक इतनी आधुनिक नहीं बनी है, इसीलिए अब। वही कटनी में विजय राघवगढ़ विधानसभा के बरही में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस झूठ बोलकर चुनाव जीतना चाहती है। वहीं पत्रकारों के सवाल के मणिपुर हिंसा पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कोई भी बयान देते हुए बचते नजर आए। उस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वहां पर गृह मंत्री 3 दिनों तक मौजूद थे और मदद देनी चाहिए थी, वो मदद प्रदान कराई गई है। पहली यात्रा भी फेल हो गई, ये वाली यात्रा भी फेल हो जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि पहली यात्रा से कर्नाटक जीता है, दूसरी यात्रा से क्या मध्य प्रदेश? देखिए, एक किसी स्थान पर जीत से दूसरे राज्य की तुलना नहीं की जा सकती। पिछले बार हम मध्य प्रदेश राजस्थान में हार गए थे, छत्तीसगढ़ में हार गए थे, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सब सीटें हम ही जीते। संसद में चल रहा गतिरोध को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, कैसे यह गतिरोध दूर हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत ही जिम्मेवारी के साथ ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने
लोकसभा में कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता दोनों को पत्र लिखकर कहा है कि आप लोकसभा में आइए। मिर्जापुर शहर में इन दिनों सरकारी कार्यालयों में जमकर हाथापाई और गाली गलौज के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाल ही में जिला पंचायत शिवपुरी कार्यालय में साधारण सभा की बैठक के दौरान सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्ष पति के बीच जमकर विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौज हुई और अब DPC कार्यालय में BRC और DPC में जमकर गाली गलौज के बाद मारपीट भी हुई। इस मारपीट में DPC को अंगुली में चोट आई है। 5:22 पे ये भोपाल जानकारी जाना थी, उस संबंध में BRCC को फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन स्विच्ड ऑफ आया। तो उनके जो अधीनस्थ हैं श्री हेमंत खटी, जो MIS कोऑर्डिनेटर हैं, उनको फ़ोन लगा के उनसे बात की कि BRCC का फ़ोन बंद आ रहा है और उसके संबंध में जानकारी। और उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के श्रावण माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में चौथे सोमवार को 4 बजे परंपरा अनुसार महाकालेश्वर भगवान की सवारी धूमधाम से निकाली गई। सवारी में भगवान श्री महाकालेश्वर और 4 अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन दिया उन्होंने, जिसमें पालकी में चंद्र मोलेश्वर, हाथी पर श्री मन महेश, बैलगाड़ी में गरुड़ और शिव तांडव एवं बैलगाड़ी में नंदी पर श्री उमा महेश के स्वरूप में विराजमान होकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकले। मंडीडोरी में जुलाई के महीने में शाहपुरा के शारदा टेकरी में स्थित हनुमान जी की प्रतिमा पर 2 मुस्लिम युवकों ने लात मारी थी, उसका मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जिला कलेक्टर डिंडोरी को हिंदू संगठनों ने आवेदन देकर आरोपी पर NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसमें कलेक्टर ने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन प्रशासन ने कड़ा रुख दिखाते हुए आरोपियों के घर को अब इसी क्रम में जमींदोज कर दिया है। देखिए साहब, इससे पहले जब जिला अध्यक्ष बने हुए थे हमारे अवध राज बुलिये जी, तो उनको बड़ी उम्मीद के साथ हमने जिला अध्यक्ष का स्वागत किया था कि ये हम लोगों के हिंदुत्व के लिए कुछ करेंगे। और जब हम डिंडौरी गए तो हमें बड़ी निराशा हुई, सभी हिंदूवादियों को उन्होंने अपशब्दों का उपयोग किया और साथ देने की बजाय उल्टा लाठीचार्ज की धमकी दी, तो उससे सभी हिंदू संगठन नाराज हुए। और मैं सभी हिंदू संगठन की ओर से यह बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन अवध राज बुलैया जिलाध्यक्ष सहपुरा आएंगे, हम उसका घोर विरोध करेंगे। देखिए साहब, इससे पहले जब जिलाध्यक्ष बने हुए थे हमारे अवध राज बुलैया जी, तो उनको बड़ी उम्मीद के साथ हमने जिलाध्यक्ष का स्वागत किया था कि ये हम लोगों के हिंदुत्व के लिए कुछ करेंगे। और जब हम डिंडौरी गए तो हमें बड़ी निराशा हुई, सभी हिंदूवादियों को उन्होंने अपशब्दों का उपयोग किया और साथ देने की बजाय उल्टा लाठीचार्ज की धमकी दी, तो उससे सभी हिंदू संगठन नाराज हुए। और मैं सभी हिंदू संगठन की ओर से यह बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन अवध राज बुलैया जिलाध्यक्ष सहपुरा आएंगे, हम उसका घोर विरोध करेंगे। देखिए साहब, इससे पहले जब जिलाध्यक्ष बने हुए थे हमारे अवध राज बुलैया जी, तो उनको बड़ी उम्मीद के साथ वहीं छिंदवाड़ा में शासन की तरफ से स्थानांतरण किए जाने के बाद IAS मनोज पुष्प ने सोमवार को कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी छिंदवाड़ा का पदभार ग्रहण कर लिया है। पूर्व कलेक्टर IAS शीतल पटेल ने कलेक्टर कक्ष में नए कलेक्टर पुष्प को अपना पदभार सौंपा। इस अवसर पर मीडिया के साथियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता ही उनकी प्राथमिकता है, शासन की कल्याणकारी योजनाएं जिन लोगों के लिए बनी है उन तक पहुंचे, इसी दिशा में निरंतर काम करेंगे। उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की खूबसूरती की भी इस दौरान सराहना की। जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वही हमारी प्रायोरिटी रहेगी, और अभी तो आज मैंने ज्वाइन ही किया है तो हम इसको देखेंगे और जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं उसके लिए, जिनके लिए वो स्कीम बनी है उन तक वो उसी स्पिरिट में और उसे अच्छे तरीके से पहुँचे, ये हमेशा प्रायोरिटी रहेगी।
हम डिपार्टमेंट वाइज इसको रिव्यू करेंगे और ये हमेशा कोशिश रहेगी कि उसका लाभ जनता को पूरी तरह से मिले। जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वही हमारी प्रायोरिटी रहेगी और अभी तो आज मैंने ज्वाइन ही किया है तो हम इसको देखेंगे और जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं उसके लिए जिनके लिए वो स्कीम बनी है उन तक वो उसी। वहीं संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी के बर्तुमा सागर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर निर्माण के लिए 25 जुलाई से प्रारंभ हुई समरसता यात्रा छिंदवाड़ा शहर से निकलकर अलग अलग गांवों और शहरों से होती हुई सोनसर और पंढुरा पहुंच चुकी है। संत शिरोमणि रविदास के समरसता और सद्भावना संदेशों को युवा पीढ़ी और जन जन तक पहुँचाकर समरसता यात्रा का उद्देश्य है। डॉक्टर जामदार मार्ग के ग्रामों और नगरों में समरसता यात्रा का पुष्प वर्षा कर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में जिला आबकारी विभाग के पदस्थ नरेंद्र कुमार सेन सहायक ग्रेड 3 से अपनी लंबी सेवा अवधि के बाद सोमवार को रिटायर हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति पर विभाग जिला आबकारी अधिकारी केएल भगोरा ने शॉल श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया, साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस मौके पर उप निरीक्षक TR वर्मा, उप निरीक्षक ध्वनि भदौरिया, आबकारी विभाग के सभी स्टाफ मौजूद रहे। जिला आबकारी अधिकारी केएल भगोरा ने कहा कि नरेंद्र कुमार सेन अपने दायित्व को बखूबी उन्होंने निभाया। इसके अलावा सामाजिक और जनसेवा के कार्यों में भी वो रुचि लेते रहे। उनकी ईमानदारी के कारण विभाग को कई बार प्रशंसा भी मिली है। इस कार्यालय में पदस्थ श्री नरेंद्र कुमार सेन आज 62 वर्ष आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके कार्यकाल यहाँ पर इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। एक सामान्य व्यक्ति से भी ज़्यादा अच्छा इनका कार्य रहा यहाँ पर और ये अपने कार्यकाल में बहुत ईमानदार। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में विशेष सशस्त्र बल के 29वीं बटालियन में बतौर सहायक उप निरीक्षक तैनात कमल सिंह सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। 29वीं बटालियन के कार्यकाल में विदाई समारोह आयोजित किया गया जिसमें कमांडेंट मनोहर सिंह मंडोलोई को विभाग के लोगों ने सेवानिवृत्त होने पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कमांडेंट मनोहर सिंह मंडोलोई, डिप्टी कमांडेंट देवेंद्र सिंह सिरोलिया और डॉक्टर एस कुमार भी मौजूद थे। इस मौके पर कमांडेंट मंडोलोई ने कहा कि कमल सिंह की अगस्त 1986 में पोस्टिंग हुई थी। अपनी लंबी सेवा अवधि के दौरान उन्होंने मेहनत और लगन से हर जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। इस मौके पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। प्रधान रक्षक कमल सिंह लंबी सेवा अवधि लगभग 36 वर्ष की सेवा के बाद में आज सेवानिवृत्त हुए हैं। वानी परिवार। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा के तहत देवास के खाते गांव में रोड शो किया। देवास जिले के खाते गांव में विधानसभा में सोमवार 4 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि उपज मंडी ग्राम खाते गांव का हेलीकॉप्टर से दौरा किया। रथ में सवार होकर वो नगर खाते गांव में रोड शो भी उन्होंने किया और उसके बाद सभा को संबोधित भी किया। वहीं सरगुजा रेंज के नए IG अंकित गर्ग ने पदभार ग्रहण किया। बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था के साथ शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने 2004 बैच में IPS का पदभार ग्रहण किया था। आपको बता दें कि अंकित गर्ग ने सरगुजा IG के पद पर पदभार ग्रहण किया है। IPS अंकित गर्ग इससे पहले बस्तर संभाग सहित रायपुर संभाग में अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वहीं 5 साल DIG के तौर पर NIA में भी काम कर चुके हैं। वहीं सरगुजा रेंज के IG अंकित गर्ग ने पदभार ग्रहण कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिसिंग को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा, चुनाव बेहतर ढंग से निपटाए जाएंगे। शांतिपूर्वक तरीके से और बिल्कुल फ्री फेयर मैनर में यहाँ पर सरगुजा में बहुत अच्छे से उनको कंडक्ट कराए। उसके अलावा जो बेसिक पुलिसिंग के कार्य खासतौर से अपराध पर नियंत्रण
आबकारी आर्म्स इन सब पे कार्यवाही में आपको। वहीं शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र के आईटीआई चौराहे के पास तीन बाइक सवार और स्कूल की बस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर के रहने वाले अरविंद रजक, मोनू यादव और गोलू ओझा सुबह बाकडे हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए बाइक से निकले, तो देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत धावली के अंधे मोड़ पर आईटीआई की ओर से आ रही स्कूल बस ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद बस ड्राइवर बस लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं इस दुर्घटना में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर गोलू ओझा नाम के युवक की को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। थाना देहात के अंतर्गत जो आईटीआई से गुना बाईपास तरफ जाते हैं, जो फॉरेस्ट का मोड़ है, वहाँ पर स्कूल की बस एवं मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है। स्कूल की बस आईटीआई तरफ से गुना बाईपास तरफ जा रही थी, एवं तीन लड़के एक मोटरसाइकिल पर बैठ के गुना बाईपास तरफ से होकर बांकले हनुमान के लिए जा रहे थे, तो उसी मोड़ पर तेजी व लापरवाही से दोनों के बीच एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक ख़त्म हो गया, जिसका नाम गोलू उर्फ रोहित ओझा, पिताजी का नाम लल्लू ओझा है, जिसकी उम्र 20 साल है। यह ग्राम खोरवार का मूलतः रहने वाला है, एवं फतेहपुर में भी हनुमान मंदिर के पास इसका घर का मकान है। एवं दो महबूबनगर शहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र में सपा नेता और हिस्ट्री शीटर की धमकी से परेशान युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए सपा नेता मांगे उर्फ हरेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का आरोप है कि बीबी नगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता जबरन मकान का बैनामा कराने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है। और मैंने मांगे और फरिंदा से 20,000 रुपये लिए थे, जिसके मैंने 4 माह बाद 20,000 रुपये लौटा दिए, और लौटाने के कुछ टाइम बाद उसने मुझे घर पे बुला कर बोला कि तेरे पे 20% ब्याज और 400 रुपये डेली पेनल्टी चल रही है, अगर नहीं लौटाए मेरे तो मैं मुझे गंदी गाली देकर गाली गलो ढेर चमार कहकर मुझे घर से भगा दिया। और फिर दोबारा मुझे बुलाया तो मुझसे बोला कि मेरे 3 लाख रुपये तुझ पर बैठ रहे हैं, 3 लाख रुपये दे, मुझे 2/7/2023 का वादा दिया था, कल का जो आने वाला टाइम कल था, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा कहीं भी गोली ना। ये समाजवादी पार्टी का नेता है और मेरे को डरा रहा और धमका रहा है, और इसमें थाना भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। मैं श्री आदित्यनाथ योगी से ये है हाथ जोड़ के विनती है, और SSP साहब बुलंदशहर से निवेदन है कि मेरी कृपया मदद करें। ये वहीं बुलंदशहर में किराना व्यापारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई और उसके शव को औरंगाबाद थाना क्षेत्र के ख्वाजपुर के जंगलों में सड़क किनारे फेंक दिया गया। वहीं ये घटना उस वक्त की है जब मृतक आकाश रात में दुकान बंद करके औरंगाबाद से गांव भंडोरिया लौट रहा था। परिजनों ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मामले की छानबीन में जुट गई है। ये डेली जो अपनी दुकान पर जाया था। अच्छा। और रात को 8 बजे 8:30 बजे घर वापस आ गया। फिर बाद रात को जब 9 बजे तक नहीं पहुँचा। क्या हुआ क्या? तो औरंगाबाद फोन करा, यहाँ से तो निकल गया। फिर निशा ढूंढो, हमारे यहाँ के 3 रास्ते हैं, एक रास्ते से घूमे, फिर दूसरे रास्ते पे वहीं पे आ गए, तीसरे रास्ते। वहीं गोरखपुर में सिकरीगंज पुलिस ने बाइक लिफ्ट की गए करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें सरगना रमेश मौर्य को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। वो उनवल बाजार का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि उसके 2 साथी सिद्धार्थ नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पकड़े गए रमेश की निशानदेही पर चोरी की 13 बाइकें भी बरामद की है। ये सभी बाइक बालू खनन के गड्ढे में छिपा कर रखी गई थी। पुलिस फरार आरोपियों की फिलहाल दबिश देकर तलाश कर रही है। जनपद गोरखपुर के थाना सीकरीगंज द्वारा एक 2-पहिया वाहन चोरों का गैंग को क्रैक किया गया है, जिसका की मुख्य अभियुक्त रमेश मौर्य गिरफ्तार हुआ है। इस गिरोह द्वारा जिसमें की 2 अन्य लोग सुरेंद्र कुमार और अजय कुमार भी शामिल हैं, विगत कई दिनों से इनके द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में
दो पहिया वाहन जिसमें कि होंडा की मोटरसाइकिल्स हैं उन। वहीं कन्नौज में नए एसपी अमित कुमार आनंद ने चार्ज संभाल लिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी ने कहा कि कानून व्यवस्था का पालन प्राथमिकता है, साथ ही कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने की बात कही और लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने का भी आश्वासन इस दौरान दिया गया। कुमार आनंद, आज मैंने जनपद कन्नौज एसपी चार्ज ग्रहण किया और जनता की अपेक्षाएं पुलिस के साथ रहती है, पूरा कर्तव्य का पालन करेंगे। क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, साइबर क्राइम है, इस पर विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा जो मुख्यालय से ऑपरेशन डिस्ट्री ऑपरेशन कनेक्शन इस पर जो कार्रवाइयाँ चल रही है उसको और डबल स्तर से क्रियान्वित कराएंगे। मिशन शक्ति है इसके लिए हमारे स्पेशल मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।